few moments later. दोस्तों ये देख रहे हो आप नज़ारा, ये पंचगनी के वो नज़ारे हैं जो आपको कई सारे ब्लॉगरों ने शायद नहीं भी दिखाए होंगे, लेकिन हम आज आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल अच्छा, हमको सिखा दिया है। अच्छा, और जब सोशल सही बात है, क्या ब्यूटीफुल लोकेशन है। देखिए ये कोई पॉइंट नहीं है जिससे ये फेमस हो, ये एक आम जगह है, लेकिन ये पंच से भी ज्यादा खूबसूरत है। वाह बिल्कुल, दिखाइए नवान भाई। ये देखिए रोड के किनारे भी छोटे छोटे झरने बहते हैं इधर। क्या खूबसूरत जगह है, क्या हसीन वादियां हैं। इन हसीन वादियों में खो जाने का। A few moments later. और ये झरने भी बह रहे हैं, यहाँ पे दो झरने हैं। झरने तो काफी आपको रोकना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी झरने आवाज बहुत आ रहा है, और ये झरने दिखा नहीं सकते, थोड़ा नीचे है। और इतना मजा आ रहा है मौसम में घूमने का, पूरा हरा भरा हो रखा है सब जगह, और यहाँ टेम्परेचर भी काफी कम रहता है। अभी 18 टेम्परेचर हो रहा है यहाँ का, और बहुत मजा आने वाला है, एकदम एंजॉय मिल गया हमको। आइए दिखाते हैं आपको, ये देखिए भारत का सबसे छोटा वाटरफॉल कह सकते हैं। आप इस पेड़ को देख रहे हो, ये वही पेड़, अगर आप इसके ऊपर बैठोगे तो आपको सालों भर याद रहेगा। और कौन है, कहाँ से आते हैं? भारत का सबसे छोटा वाटरफॉल जो इतना छोटा है बड़े आकार में, फिर भी छोटा है क्योंकि पानी कम है। बिल्कुल नौमन भाई, आपकी फरमाइश पे ये देखिए, ये कोई फेक वीडियो नहीं है, ये रियलिटी है, देख पा रहे हो आप, ये पंचगनी की खूबसूरती है और हमारे भारत की पहचान और हमारे महाराष्ट्र की नामी गिरामी जगह। तो कुछ लोग प्यार से इसको जन्नत भी बोलते हैं। हाँ, मिनी कश्मीर भी बोला जाता है इसको। अली भाई को केंकड़ा मिल चुका है, देखिए इसे जूम करते हैं केंकड़े पे। अली भाई दूर मत जाओ, ये देखिए अली भाई इसको छू रहे हैं, ये देखिए अली भाई केंकड़े के साथ मस्ती कर रहे हैं। क्या अली भाई, ये देखिए, ये देखिए अली भाई उसको थोड़ा परेशान भी कर रहे हैं शायद, मेरे को लगता है। ये देखिए क्या मस्त है, इधर जगह जगह ऐसे कई सारे हजारों वाटरफॉल मिल जाएंगे आपको। इधर वाटरफॉल की गिनती खत्म नहीं होती है। A few moments later. ये नौमन भाई आ रहे हैं, देखिए देखिए, आराम से आइए, गिर नहीं जाइए। हम लोग नीचे जाने वाले हैं और देख सकते हैं आप लोग हमारे साथ नीचे नीचे चलिए। देखिए देखिए यहाँ पे बहुत, ये कहाँ जा रहे हो आप, कदम संभाल के रखे, गिर सकते हैं, कृपया यहाँ पे कोई नहीं जाता, सिर्फ हम जा रहे हैं। इधर पानी की आवाज आ रही है लगता है हमारे भाई। हाँ पानी को खोजने जा रहे हैं हम लोग, आराम से आस्ते आस्ते आइए। फुल जंगल में लेके आ गए हो आप, तो यहाँ पे खतरों का सामना भी पड़ सकते हैं उन लोगों को, इसलिए छतरी और छतरी डंडा लाए हैं। जी जी, खतरे का सामना कर सके थोड़ा। देखिए ये पेड़ की गोलाई, अली भाई ये पेड़ दिखाइए, ये देखिए भाई लोग, अरे ये पेड़ में जान भी, इतना पानी बरस रहा है महाबलेश्वर पंचगनी में, लेकिन ये पेड़ अभी भी सूखा है। याद रखिए यहाँ तो पत्ती नहीं है पेड़ में, ये तो क्या बोलना चाहेंगे आप इसके बारे में, इसमें अपनी ताकत खत्म कर चुकी है और इसमें जान नहीं बची, अभी खोखला हो गया है, दम नहीं है, खोखला हो गया है। पेड़ काफी पुराना है इसलिए नहीं उफल रहा है। और दिखाइए अली भाई जंगल नीचे, इस जंगल का नाम है आओ और खो जाओ। इस जंगल का नाम है आओ और खो जाओ, ये देखिए। देखिए अली भाई जंगलों में खो चुके हैं, ये पहाड़, ये बादल, ये आसमान और हम आपके साथ। मेरी जान एक नंबर। आइए आइए जल्दी आइए, आप एक नई चीज दिखाते हैं, भी आइए जल्दी।
इतना जल्दी मत चलो कि रास्ता छोटा पड़ जाए। ये देखिए अली भाई चल भी कहाँ रहे हैं। ये देखिए वाटरफॉल का नज़ारा कितना मज़ा आ रहा है देख के। ये ऐसा लग रहा है खूबसूरती की नज़ारे इधर ही होते हैं। मजा आया आज नहीं आया, अरे आया। अली भाई खुशी देख के लगता होगा मजा आया, लेकिन ये फोटो और वीडियो में बहुत गुस्सा करते हैं बनाने से। बोलते परेशान मत कर, जिंदगी से परेशान हूँ, मुझे माफ मत कर। जिंदगी आ गई है पाप बनकर, जी रहा हूँ जिंदगी की ताक बनकर, जी रहा हूँ तेरा काम बनकर। ये